नमस्कार, मैं चंद्रकांता वर्मा गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको फर्स्ट ईयर के गैस व्यवस्था चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगी। साधारण रूप से देखा जाए तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें ठोस को देखें तो ठोस का एक निश्चित द्रव्यमान और आयतन होता है एवं उनके कण एक दूसरे के बहुत पास निकट स्थित होते हैं अंतर आणविक बलों के कारण। द्रव के अंदर देखा जाए तो उनका द्रव के कण एक दूसरे में से थोड़ा दूर दूर स्थित होते हैं क्योंकि उनके अंदर अंतर आणविक बलों की उपस्थिति कम होती है। गैसों के अंदर अंतर आणविक बल नगण्य होता है जिसके कारण ये कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, अतः गैस का कोई निश्चित द्रव्यमान एवं आयतन नहीं होता है एवं इनके कणों की गति अधिक होती है। आज हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आदर्श गैस और दूसरी होती है वास्तविक गैस। आदर्श गैस वह होती है जो सभी टेम्परेचर एवं प्रेशर पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, लेकिन वास्तविक गैसें वह होती हैं। सभी गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार नहीं करती हैं, अतः वास्तविक गैसें वह होती हैं जो अधिक उच्च ताप पर तथा निम्न ताप पर आदर्श गैस नियम का पालन करती हैं, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। अब गैसों के नियम, गैस के नियम हैं पहला है वॉयल का नियम। वॉयल के नियम के अनुसार यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्यर्थ के अनुपाती होता है, पी प्रोपोर्शनल टू 1/P। यदि इसको सॉल्व कर ले तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि दो गैसें ली जाए जिनका दाब और आयतन P1 और V1 है और दूसरी गैस का है P2 और V2, तो वॉयल्स के नियम के अनुसार ये होगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यदि दाब और वॉल्यूम के अंदर, यहाँ पर लेते हैं प्रेशर एटीएम में और यहाँ है वॉल्यूम लीटर में, यदि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए तो ये एक इस तरह का हाइपरबॉलिक कर्व प्राप्त होता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर किसी पिस्टन में यदि गैस भरी हो ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन कम होता चला जाएगा। स्थिर ताप तथा दाब पर आयतन के मध्य यह वक्र समतापी वक्र भी कहलाता है। दूसरा है नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम के अनुसार यदि किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यदि प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि दाब निश्चित कर दिया जाए किसी का तो गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, V इज इक्वल टू KT एंड VT इज इक्वल टू K। ये है चार्ल्स का नियम। तीसरा आता है अवोगाड्रो नियम। अवोगाड्रो नियम के अनुसार यदि टेम्परेचर व प्रेशर कांस्टेंट हो तो किसी गैस का आयतन उसके द्रव्यमान में उपस्थित गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है, V इज इक्वल टू KN।